भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली थी। इन यात्राओं की अभूतपूर्व सफलता का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन यात्राओं को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। वास्तव में बीते समय में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उनके प्रतिफल में जनता ने इन यात्राओं को अपना आशीर्वाद भी दिया है। यात्राओं को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से ये साफ हो गया है कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इन यात्राओं का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ता विजय का संकल्प लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भाजपा की सरकार ने जनता की जो सेवा की है उसके कारण उसे जन आशीर्वाद यात्राओं में जनता का भरपूर समर्थन मिला है। जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है, उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। वही केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का जो अपार स्नेह मिला है वो ये बताता है कि पार्टी की यात्रा अपने उद्देश्य में सफल रही है। और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, क्या डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व कृतित्व काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं का लक्ष्य 10,600 किलोमीटर तय किया गया था, लेकिन पांचों यात्राएं 10,880 किलोमीटर चली। इन यात्राओं ने 223 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। सरकार के गरीब कल्याण के कामों पर जनता ने आशीर्वाद देकर मुहर लगाई। तो पूरी पांचों यात्राओं के अंतर्गत लगभग 2,500 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के, हमने जो सोचा था लगभग हम 1,185 स्थानों तक स्वागत वगैरह के कार्यक्रमों को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन 2,500 से ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने यात्रा में, कुल जो हमने सोचा था कि हमने 10,600 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, लेकिन ये यात्रा लगभग 10,880 किलोमीटर पांचों यात्राओं ने भौगोलिक दूरी जो कवर की है। इन यात्राओं के जरिए सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर पार्टी कार्यकर्ता 65,523 बूथों और लगभग 11,000 शक्ति केंद्रों तक पहुंचे। बीजेपी ने दावा किया है कि यात्राओं का प्रदेश के 2,500 स्थानों पर स्वागत हुआ है। यात्राओं में हुई सभाओं में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने 750 स्थानों पर रथ सभाएं और 250 स्थानों पर बड़ी मंच सभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज़ भोपाल।